पंजाब में इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे थे कि हम शिक्षा को वर्ल्ड क्लास कर देंगे, पंजाब के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है उसका लेवल वर्ल्ड लेवल का कर देंगे। उसके लिए हम विदेश अपने प्रिंसिपल्स को अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तब ये लोगों को भी और टीचर्स को भी ये सपना लगता था, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। 4 फरवरी को ये टीचर सिंगापुर गए थे, 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में अकेडमी ऑफ प्रिंसिपल्स एक सिंगापुर में है, उसमें इनकी ट्रेनिंग हुई है कैसे स्कूल को लीड करना है, कैसे स्कूल में तालमेल टीचर्स के साथ भी बच्चों के साथ भी हो। तो एक क्वालिटी लीडरशिप की ऊर्जा जो लेके आए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ जो अपने तजर्बे जो हैं वो सांझे किए, आप भी उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे वन टू वन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जे अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना जो एक देश में शिक्षा की क्रांति का है उसको साकार करने में अब और ज़्यादा समय नहीं लगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। और पंजाब में हमारे पास एक थोड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जगह बहुत है स्कूलों को, हमारे पास 20-20 एकड़ में स्कूल भी हैं, 25-25 एकड़ में भी स्कूल हैं। हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स का और जो बड़े बड़े जैसे ऑडिटोरियम्स का भी दे सकते हैं। तो बजट, इस बजट में शिक्षा के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और शिक्षा के जो अधिकारी हैं हमने सबको बोल दिया है कि पंजाब की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इस लेवल की हो कि हमारे किसी नौजवान बेटे बेटी को पंजाब के आईलेट्स करके किसी और देश में ना जाना पड़े। और जब भी दुनिया में जहाँ भी वो नौकरी करने के लिए या तरक्की के लिए जाएँ, जब उनसे पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स कहाँ से की है, जब वो कहें पंजाब से की है तो पंजाब का इतना नाम हो ऑलरेडी उनके पास क्योंकि पंजाब से की है या दिल्ली से की है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छी होगी, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। तो यही सपना है और मिलके हम सब साकार करेंगे। और 3 करोड़ पंजाबियों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया, और इसी विश्वास को कायम रखेंगे, हमारा भी फर्ज बनता है। और शिक्षा और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो अपना अलग स्थान बनाएगा देश में। उसके लिए मैं अरविंद जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने सीखा, कुछ गलतियाँ की, फिर उस गलती को सुधारा। अब हमारे पास जो मॉडल आ रहा है बिल्कुल सुधरा हुआ मॉडल आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडल आ रहा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का है चाहे वो स्कूल का है। तो इसलिए हम इस बात से हम लकी हैं कि हमें एक सफल जो जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास जो है आ रहा है, और हम उसको और सफल बनाएंगे। हो सकता है हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर दें बिजनेस ब्लास्टर में या आइडियाज़ में, स्टार्टअप में, कि जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली वाले भी सीख लें या कोई और स्टेट वाले सीखें। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी एक स्कूल देख के गए यहाँ पे, उन्होंने जाके वहाँ पे स्कूल बनाए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी उन्होंने अरविंद जी से करवाया। तो देश को शिक्षा में नंबर वन बनाने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करें। मान साहब, कोई इतना दी चीज जेडी तुसी टीचर्स ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋਜੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं उम्मीद करता हूं कि LG साहब जल्दी उस फाइल को क्लियर कर देंगे, काफ़ी दिन से उनके पास पड़ी है।
देखिए, डिस्ट्रक्टिव काम करने से देश का फायदा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा करने से, डिस्ट्रक्टिव काम करने से, तोड़ फोड़ करने से मिलके चलना चाहिए। मिलके काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। मान साहब, पंजाब दे विच भी यही हालात ने। गवर्नर पंजाब सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर नूं लेके, कदे पंजाब दे ड्रग्स नूं लेके बॉर्डर एरिया च जाके खास तौर पे सवाल चुकदे ने पंजाब सरकार दे उपर। पंजाब दी पुलिस जिहड़ी है इन्नी सक्षम हैगी है कि असीं हर रोज़ जिहड़े ड्रोनस ने जां जिहड़े गैंगस्टर ने जां जिहड़े ड्रग दे जिहड़े समगलर ने असीं उहनां नूं फड़दे हां। लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा कंट्रोल दे विच है। बाकी गवर्नर साहब ने उन्हां दी मर्जी है, जिथे मर्जी जाण, पर जो स्टेट का मैटर है लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने असी मेनटेन रखांगे और रख्या होया। और आने वाले दिनों के तो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां, खास तौर पर इंडस्ट्री नाल रिलेटेड बहुत जी इंडस्ट्री जी पंजाब आ रही है। टाटा स्टील ऑलरेडी आ गई, सनातन टैक्सटाइल आ गई, बहुत बड़िया बड़िया कंपनियां जीडिया ने, देश के बहुत बड़े बड़े मैनुफैक्चर प्लांट जोड़े ने। जो उन्हों का साउथ है वो कहें नॉर्थ के असी पंजाब में चुना। थैंक यू।